हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट वीडियो कर रहे हैं जिसका नाम है कीज एंड टाइप्स ऑफ कीज। गाइस, ये आपने नाम तो सुना हुआ है, जब हमने ईआर मॉडल किया था तो वहां पे भी हमने कीज और टाइप्स ऑफ कीज की थी, तो वहां पे जो कीज थी सेम वही कीज यहाँ पे सेम वो रोल है। तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से देखते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो भी कीज है उसके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और एक कंबाइंड वीडियो भी डाल दूंगा ताकि आपके लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प हो जाए। तो जल्दी से देखते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर कीज एंड टाइप्स ऑफ कीज क्या क्या है। तो पहले देखेंगे कीज की डेफिनेशन क्या है। तो व्हाट आर कीज, तो यहाँ पे कीज इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच हेल्प्स यू इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ टप्पल इन अ रिलेशन। भाई ये क्या कहती है, कीज क्या होती है, या तो वो अकेला कोई एट्रीब्यूट होगा या वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट यानी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे जो कि आपकी क्या हेल्प कर रहे होंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, किसको, टप्पल को, किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे एक टेबल के अंदर यानी एक रिलेशन के अंदर। समझ में आई गाइस? तो सेम जो हमने ईआर मॉडल में किया था वही चीज है। तो कीज का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि हम किसी एट्रीब्यूट को या बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को मिला के की बना देते हैं जो कि हमें क्या कर सके कि अगर मैं कहता हूं ये रो जो है शुड नॉट बी सेम एज दिस रो, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी रिलेशनल डेटा मॉडल की तो वहां पे क्या था कि दो टप्पल्स की सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, किया था ना। तो ये हम कैसे रिमूव करते हैं, कीज की हेल्प से। कीज लगा के वो हमें क्या बताएगी कि भाई अगर हम सेम वैल्यू डाल रहे हैं, नहीं भैया तुमने ये की लगा रखे तुम सेम वैल्यू नहीं डाल सकते, तो वो हम चीज देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कीज क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब देखो यहां पे द एट्रीब्यूट्स विच आर यूज्ड एज ए की आर नोन एज की एट्रीब्यूट्स एंड इट शुड नॉट बी नल। ये कहता है कि जोन से भी एट्रीब्यूट्स को मैं की बनाऊंगा वो क्या हो गया, उसका नाम क्या रख दिया हमने, उसे की एट्रीब्यूट एंड उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, इट्स वैल्यू शुड नॉट बी नल, नॉट नल नहीं हो सकती भैया, खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको वैल्यू तो देनी पड़ेगी, समझ गए बात। तो हमने कहा था कि देखो आपको याद हो जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स थी वहां पे हमने एक फीचर पढ़ा था कि एवरी वैल्यू या डोमेन जो भी होना चाहिए हमारे पास क्या होता है, अटोमिक होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई वैल्यू जरूर हो। तो यहाँ पे हमने वही चीज है, शुड नॉट बी नल, खाली नहीं होनी चाहिए, वहां पे हमने क्या कहा था, नल हो सकती है बट अगर मैं इस एट्रीब्यूट को की बनाता हूं तो नल वैल्यू इसके अंदर नहीं डाल सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कीज है, पहली है सुपर की, देन कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरन की। हमने जब ईआर मॉडल किया था तो हमने अल्टरनेट की एंड कंपोजिट की भी की थी बट वो हम कर चुके हैं, तो हम इसको एक बार अच्छे से देखेंगे जो हमारी मेन मतलब की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सुपर की क्या होती है। देखो मेरे पास ये टेबल है जिसके अंदर एक कॉलम है जिसकी एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन आईडी, आईडी, नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीजें हमने डाल रखी है, डेटा डाल रखा है। अब इसके हिसाब से समझते हैं कि जो सुपर की है वो क्या होती है। देखो सुपर की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वन और मोर की एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टप्पल इन अ रिलेशन, इन अ रिलेशन और रिलेशंस। देखो चीज जो कि क्या कर रही हो, एक रिलेशन या एक से ज्यादा टेबल में से यूनिकली आइडेंटिफाई करके ला रही हो, किसको, डेटा को, रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करके। तो यहां पे वो कहता है सुपर की क्या होगी, या तो अकेली भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ हमारे पास और भी कॉलम्स का हो सकता है जो कि मिलके क्या कर रहा होगा, रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा, ठीक है जी। जैसे यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन आईडी है सारी वैल्यू अलग है, आईडी है सारी वैल्यू अलग है, नाम अभी तो सारे अलग है बट फ्यूचर में अगर मैं नाम डालूं तो क्या नाम सेम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कंपनी के अंदर सेम नाम के आदमी नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ईमेल आईडी देखो यहां पे सबकी अलग मिलेगी, क्यों, क्योंकि भैया ईमेल किसी की सेम नहीं हो सकती, ठीक है जी। डिपार्टमेंट आईडी ले लिया 10-20 सेम है, ये अलग है, तो यहां पे सेम डाल दिया मैंने।
बट यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी को बात करूंगा तो पहले मैं बताऊंगा कि कैसी की है, किस बेस पे। जैसे मैंने कहा रजिस्ट्रेशन आईडी मेरे लिए एक सुपर की है, अकेले कैसे हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर मैं जिस हिसाब से जो टेबल बना रहा हूं, देखो ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से टेबल बना रहे हो, कैसी इसके अंदर आप फर्दर वैल्यूज डालोगे। जो पहले हम स्कीमा बनाते हैं इसी बेस पे बनाते हैं कि इसके अंदर रिपीटेड वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बेस के हिसाब से मैंने बोला रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी एक की है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज मैं डालूंगा सारी अलग अलग ही दूंगा, तो एक सुपर की होगी। ऐसे दूसरा मैंने लिया रजिस्ट्रेशन आईडी और आईडी, इन दोनों को मिला के भी मैं कह सकता हूं कॉम्बिनेशन में कि ये भी मेरी एक सुपर की है, क्योंकि इसके अंदर भी अलग वैल्यूज है, इसके अंदर भी मैंने अलग वैल्यू डालनी है, ठीक है। मैं कहता हूं रजिस्ट्रेशन आईडी, आईडी और नेम, इनको मिला के भी मैं सुपर की बना सकता हूं, यस बना सकता हूं, क्योंकि यहां पे देखो सारी वैल्यूज अलग आएगी, किसी का नाम सेम आ भी गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा और उसकी आईडी अलग होगी। अगर मान लो किसी तरीके से मैं रजिस्ट्रेशन नंबर सेम भी आ गया, मान लो गलती से आईडी अलग रहेगी तो हो गया ना, ठीक है जी। हालांकि कभी ऐसा होगा नहीं, आईडी एंड नेम के कॉम्बिनेशन से भी मैं की बना सकता हूं सुपर की, ऐसी मैं नेम को लेके भी की बना सकता हूं, नहीं बना सकता। नेम से कैसे आप यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे किसी रो को, यहां पे मान लो सुदेश दीपक राहुल है, यहां राहुल की जगह मैं दीपक कर देता हूं, तो क्या आप इससे इस नाम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे, सिर्फ नहीं कर पाओगे ना। तो नेम यहां पे क्या होगी, मेरी सुपर की नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सुपर की कब बनेगी, जब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। देन आता है नेम और ईमेल को लेके बना सकता हूं, यस बना सकता हूं, ईमेल में तो अलग वैल्यू आएगी तो नेम भी मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गई है। देन मैं कहता हूं ईमेल और डिपार्टमेंट आईडी को लेके बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, ईमेल तो सारी अलग है ही, डिपार्टमेंट आईडी अगर अलग है तो कोई बात सेम है तो कोई बात नहीं, मगर मुझे पता है अगर ये ईमेल आईडी है तो उसके सामने एक ही डिपार्टमेंट आईडी होगी, है ना, चीज है ना, तो उसको भी बना सकते हैं। ऐसे मैं इन सारों को मिला के भी बना सकता हूं, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जहां पे हम क्या कहेंगे कि यस ये क्या सारी सुपर कीज है। बट याद रखना जहां पे भी हम देखो बात करते हैं जब अकेले की ना, तब हमें ध्यान देना होता है क्या उसके अंदर वो वैल्यूज जाएगी नहीं जाएगी सारी जो यूनिक हो, ताकि जिसके बेस पे मैं उसको बनाऊं। तो जब भी हम अकेले की बात करेंगे कहीं पे तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि यूनिक वैल्यू हो। यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो आईडी को भी ले सकता हूं अलग से, ठीक है जी, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। तो ये हो गया आपके पास कि सुपर की क्या होती है, वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट्स जो कंबाइनली क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रोज को, टप्पल्स को किसी रिलेशन में यानी किसी टेबल में से। तो ये एक एक से ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ये याद रखना कि हमें गलती से कोई ऐसी चीज अकेले में नहीं डाल देनी जिससे हमें पता चले वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर रही हो, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो होगी आपकी आज हमारे पास की कीज एंड टाइप्स ऑफ कीज के अंदर सुपर की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम करेंगे कि कैंडिडेट की क्या होती है। देखो जो सारे अब हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट की आती है कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की एंड सुपर की में क्या डिफरेंस होता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे समवेयर्स की जो डेफिनेशन है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली कैंडिडेट की कौन सी है। तो की हम देख चुके हैं कि वो एट्रीब्यूट्स, वो हमारे जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, एक एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे रोज को, ये चीज है। तो कैंडिडेट की सुपर की से कैसे डिफरेंट है, सुपर की भी तो यही करती है कि एक एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो कैंडिडेट की और सुपर की में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे इसी एग्जाम्पल के साथ। चलिए पहले डेफिनेशन को मैं बताता हूं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की, ये बच्चों को समझ में नहीं आते, बच्चे क्या सोचते हैं द मिनिमल मतलब मिनिमम सुपर की इज कैंडिडेट की, क्या मतलब है इसका, मिनिमम का क्या मतलब है, या कहीं पे लिखा होता है सुपर सेट ऑफ सुपर की या नॉट प्रॉपर सेट ऑफ सुपर की, ऐसा कुछ लिखा होता है, उसको आज अच्छे से समझेंगे ताकि ये डाउट क्लियर करके जाऊंगा कि कैंडिडेट की क्या होती है। पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर मैं पूरे एग्जांपल लूंगा ना, मिनट में समझ में आएगा। द मिनिमल, रिपीट कर रहा हूं, द मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की विच यूनिकली आइडेंटिफाई द टप्पल। यूनिकली आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, बट मिनिमल सुपर की का क्या मतलब है उसकी अगली लाइन बताती है, वो क्या है, इट इज दैट सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, इट इज दैट सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, इट इज दैट सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स।
मतलब समझाता हूँ एग्जाम्पल से, फिर अगले पॉइंट को समझेंगे बाद में, आ जाओ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को समझते, हाँ जी मैं एग्जाम्पल लूंगा इसके अंदर से किसका, पहले सुपर की निकालते इसकी, ठीक है, तभी मेरे को आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरा सुपर की और एक कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है। मैंने ये कहा कि जब एक सुपर की बनाई थी तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि एक आईडी, इसमें से रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है जी, मैं कहता हूं नेम, ठीक है, मैं कहता हूं चलो इसमें ईमेल आईडी भी डाल दो, क्या मेरी ये सुपर की है पहले बताओ। यस सुपर की है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है जी, हो गया। अब बात आती है मिनिमल वर्ड को निकालते, सुपर की में से एक मिनिमल वर्ड को निकालते, इसका मीनिंग क्या है समझना। यहां पे मिनिमल का मतलब होता है ऐसी कीज जो अकेले अपने दम पे भी क्या कर रही हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो, तो उसको क्या करो नो रिपीटेड में डाल दो, मतलब फिर आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। ऐसी की जो अकेले अपने दम पर भी टेबल के अंदर से रो को अलगली यूनिकली जैसे मर्जी कर लो आइडेंटिफाई करके दे रही है आपको रोज को, उसको अलग लिख लो और उसको रिपीट नहीं करना, ध्यान से समझ लो बस। कैसे, मैं कहता हूं आईडी, कैंडिडेट की का एग्जांपल लेंगे, अब इसके अंदर से कैंडिडेट की निकालनी है, ठीक है जी। अब देखो कैसे होएगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, मैंने कहा कैंडिडेट की निकालनी है, मैं पहले गया आईडी के पास, क्या आईडी एक ऐसी की है अकेले जो अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यस आईडी एक ऐसी की है जो अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। तो मैंने क्या कहा, मेरे लिए एक की मिल गई मुझे जिसका नाम है सिंपल, एक एट्रीब्यूट मिल गया आईडी, ठीक है जी। एक और देख लेते हैं, क्या मैं आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी को मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, कर सकता हूं, बट क्या वो कैंडिडेट की होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर आईडी आ चुका है और आईडी तो अपने अकेले दम पे कर रही है, तो मैं उसको अब आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं डाल सकता भाई, क्यों, क्योंकि आईडी तो अकेला कर रहा, तो मैं क्यों डालूं, क्यों उसको बेखाम में किसी के साथ चिपकाऊं, नहीं कर सकते। ये गलती बच्चे कर जाते, ये सुपर की में से निकाल लेते। तो मिनिमल का मतलब क्या है, वो की निकाल लो पहले जो अकेले अपने दम पे क्या कर रही हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे रही हो आपको टप्पल के अंदर में से रो, सॉरी रिलेशन के अंदर में से रो, तो वो निकालो। तो मेरे लिए अब आईडी को मैं ऐसे इंक्लूड नहीं करूंगा कहीं पे भी, क्यों, क्योंकि वो अकेले अपने दम पे कर रही है। तो मेरे लिए अब देखते हैं आगे क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन, आईडी ले लिया, क्या मैं रजिस्ट्रेशन आईडी को ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, क्या वो अकेले अपने दम पे काम कर सकती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने का, यस वो कर सकती है। तो मेरे लिए दूसरी की कैंडिडेट की कौन सी आ गई, रजिस्ट्रेशन आईडी, वेरी गुड, अलग अलग छांट रहा हूं ना मैं। अब चलो आगे चलते हैं, क्या मैं रजिस्ट्रेशन आईडी को नेम के साथ चिपका सकता हूं, नहीं, क्यों, रजिस्ट्रेशन आईडी अकेले अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो मैं रजिस्ट्रेशन आईडी और आईडी किसी के साथ कंबाइन नहीं करूंगा, ये रूल है मेरा, ठीक है। तीसरा चलते हैं, अब इन दोनों को भूल जाओ भाई, अकेले अकेले जो दम पे काम करेगी उसको नहीं लेना, क्या मैं नेम को ले सकता हूं अकेले अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, नाम तो आगे जाके सेम आ सकता है गाइस, तो कैसे ले सकते हो, तो नेम मेरे लिए कैंडिडेट की नहीं होगी। क्या मैं नेम को और ईमेल को कंबाइन कर सकता हूं, क्या मैं, देखो क्वेश्चन आता है, क्या मैं नेम और ईमेल को कंबाइन कर सकता हूं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ईमेल तो सबकी अलग होती है भाई, ये तो सोचो, नाम सबके सेम, दो चार के सेम हो सकते, 20 लोग 50 लाखों लोगों के सेम हो सकते हैं, बट उन लाखों नामों में जो सेम है उनकी ईमेल आईडी सेम नहीं होगी। तो ईमेल आईडी की ऐसी मेरे पास एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नहीं भैया मैं नाम नहीं ले सकता, नेम नहीं ले सकता, तो ईमेल जो है वो तो खुद अकेले अपने दम पे कर रही है, तो ये भी एक कैंडिडेट की हो गई। अब मैं इन तीन को किसी के साथ जोड़ नहीं सकता, ना आपस में जोड़ सकता ना किसी और के साथ जोड़ सकता, तो ये तीन कैंडिडेट की आई। अब चलते हैं आगे, क्या डिपार्टमेंट आईडी मेरी एक यूनिक की हो सकती है, सोचो डिपार्टमेंट आईडी क्या यूनिक की हो सकती है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, 10 यहां पे भी 10 यहां पे भी 10 नहीं हो सकते, चलो ठीक है मान लिया नहीं हो सकती। मैं नेम को और डिपार्टमेंट आईडी को अगर जोड़ दूं
तो क्या ये सेम अलग यूनिकली आइडेंटिफाई करके देगी रो को? मान लो मेरा टेबल बढ़ता रहा, आगे जाके मैंने मान लो यहाँ पे दीपक आ गया, एक और आदमी जिसका डिपार्टमेंट आईडी है 20, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर दो सेम नाम के आदमी काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मैं दोनों को मिला के की बना सकता हूं? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करके देंगे तो क्या फायदा है? तो मैं नेम और डिपार्टमेंट आईडी को भी नहीं बना सकता कैंडिडेट की। तो यहां पे क्या हो गया, दीज आर द मिनिमल सुपर की विच इज यूज विच इज नोन एज द कैंडिडेट की बिकॉज दे आर नॉट रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। यहां पे रिपीट नहीं हो रही, मिनिमल है, अपने अकेले दम पे भी आइडेंटिफाई करके दे रही है। अगर कोई कॉम्बिनेशन टेबल में और एट्रीब्यूट्स आते कॉम्बिनेशन में बनते तो कर लेते, बट अभी के लिए मेरे पास तीन कैंडिडेट की आ गई है। तो गाइज ये था टॉपिक आपके पास कैंडिडेट की का। आई होप आपके पास जो ये वर्ड है जो आपकी जान खा रहा होगा, यार ये मिनिमल मिनिमल मिनिमल, ये सुपर की लिखा होता है या सबसेट सुपर सेट प्रॉपर सेट लिखा होता है डेफिनेशन के अंदर, उसका मतलब क्या है? सुपर सेट का मतलब तो सारी चीजों को मिला दो, प्रॉपर सेट का होता है कि उसमें से कुछ चीजें मैंने निकाली, मेरे पास सुपर की के अंदर ये सारी चीज आ गई तो प्रॉपर सेट में से मैंने इनमें से कोई चीज निकाल ली है जो रिपीटेड ना हो। बस ये पॉइंट याद रखना जो कैंडिडेट की में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट कीज में कोई रिपीटेड चीज नहीं आती। दूसरी चीज वो मिनिमल की होगी, और जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो मैंने लिखा नहीं, आपकी प्राइमरी की भी इनमें से ही निकल के आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास, विच इज कि प्राइमरी की क्या होती है, जो टेबल का जो हम रिलेशन बनाएंगे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब बारी आती है प्राइमरी की क्या होती है। तो जिसने पिछली वीडियोस ना देखी प्लीज देख लीजिएगा। बात आती है प्राइमरी कीज। तो देखो कीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, हमेशा कि वो हमेशा टप्पल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आएगी। तो प्राइमरी की भी तो हमें पता है टप्पल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आएगी। कैंडिडेट की भी तो यही कर रही थी, सुपर की भी तो यही कर रही थी, बट यहां पे कुछ डिफरेंस है, हर चीज का कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो हम उसको डाल रहे हैं। तो वो देखते हैं कि प्राइमरी की है एक्चुअली में ऐसी क्या डिफरेंट है जो दूसरों से हम देख के चलेंगे, सुपर की से कैंडिडेट की में क्या है। तो कई बार डिफरेंस पेपर में आता है, सुपर की कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल दिया होगा आपको बताना होगा सुपर की कौन सी, कैंडिडेट की कौन सी, उसमें से हमारी प्राइमरी की कौन सी है। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल बना हुआ जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए चल रहे पिछली वीडियो से। प्राइमरी कीज की डेफिनेशन कहते हैं, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम कैंडिडेट कीज। अब ये कहता है कि जो हमारे पास कैंडिडेट कीज होती है, चाहे उसके अंदर कोई अकेला एट्रीब्यूट हो जो कैंडिडेट की हमने सोची है निकाली है, या हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो, कोई बात नहीं, मगर होगी किसमें से, कैंडिडेट की में से। तो उनमें से ही कोई हमारे पास एक की होगी जिसको हम क्या यूज करेंगे, एज ए प्राइमरी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आएगी। देखो ध्यान से समझ लो, सुपर की के अंदर हम सेट बनाते हुए कंबाइन करके जिससे हमने सोचा कि हाँ यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसमें से मैंने छांट के क्या निकाला, कैंडिडेट की, जहां पे था मिनिमल कैंडिडेट की जो रिपीटेड ना हो निकाली। अब जो कैंडिडेट की आ गई हमने उसमें से भी निकाल रहे हैं कि क्या प्राइमरी की होगी जो क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। किस बेस पे, इट कैन नॉट हैव ए डुप्लीकेट वैल्यू, ये पॉइंट अलग है, फिलहाल रुक जाता हूं। तो कैंडिडेट की में से हम क्या करेंगे, अपनी प्राइमरी की निकालेंगे। बट याद रखना यहां पे हम जो बोलते हैं ना कि भाई सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, हाँ दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है, बट उसमें से अगर एक कोई ऐसी निकल के आती है जो प्राइमरी की तरह यूज हो सके तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए जो कैंडिडेट की के अंदर हमारे पास जो अकेले अकेले कीज निकल के आती है ना, हम उसमें से ही क्या बनाते हैं, अपनी प्राइमरी की। ठीक है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन आईडी, आईडी एंड ईमेल, ये तीन हमारे पास कैंडिडेट की थी, क्योंकि ये अकेले अपने दम पे क्या कर रही थी, एक रोज को इस टेबल के अंदर में से टप्पल्स को निकालने में, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही थी। तो वही कहेंगे यहां पे, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इसमें से बताना कि मेरे पास पॉसिबल प्राइमरी कीज कौन कौन सी होती है, अगर मैं लिखूं भाई इस टेबल के अंदर में से पॉसिबल प्राइमरी कीज कौन कौन सी हम ले सकते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी, ये मेरे पास एक ऐसी की हो सकती है जिसको मैं ऐसे क्या ले सकता हूं, प्राइमरी की ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि अपने अकेले दम पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आएगी।
दूसरा अगर मुझे बोला जाए तो मैं किसको ले सकता हूं, आईडी को, ठीक है जी। तीसरा अगर बोला जाए तो मैं ईमेल को ले सकता हूं, ठीक है जी। तो मेरे पास ये तीन कीज निकल के आ सकती है इस टेबल में से, बट एक रूल है इसके अंदर, जब आप किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाते हो तो वो क्या कहता है, वन रिलेशन विल हैव ओनली वन प्राइमरी की, आप इनमें से कोई एक ही चूज कर सकते हो, ये तो पॉसिबल प्राइमरी कीज हो सकती है, बट आपको अगर डिफाइन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा कि यही प्राइमरी की है, तो आपको एक ही बतानी पड़ेगी कि भाई इस टेबल के लिए तो सिर्फ आईडी ही प्राइमरी की है, या रजिस्ट्रेशन आईडी ही प्राइमरी की है, या ईमेल ही प्राइमरी की है, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास प्राइमरी की, इट कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, मतलब हम उसमें खाली जगह नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो हमें डालना पड़ेगा भाई, ठीक है जी। ओके जी, तो गाइस ये था आपके पास प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन दी सुपर की, कैंडिडेट की, एक प्राइमरी की, एक डिफरेंस बताओ कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की के अंदर, या डिफरेंस जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की के अंदर पूछा जाता है पेपर में, हाई मार्किंग में, स्मॉल मार्किंग में, नेट में, गेट में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो अच्छे से एग्जाम्पल कर लो ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं कि सारे के सारे सोचते तो ये रहते हैं कि सारी तो सारी क्या कर रही है, ये सारे के सारे कर तो यही रहे कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे, तो मैं इसमें से अलग से कैसे छाटूं, तो वो उसको आपकी इसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, किस कैंडिडेट की क्या प्रॉपर्टी, सुपर की क्या प्रॉपर्टी है, प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये था आपके पास टॉपिक प्राइमरी की कैसे कर लीजिए, जब एसक्यूएल क्वेरी का टॉपिक आएगा तो वहां पर हम देखेंगे कैसे हम उसको कोडिंग करके इंप्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल क्वेरी से, कैसे किसी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं कि हाँ इस टेबल के लिए यही प्राइमरी की है, क्या क्योंकि इसके अंदर फिर फीचर क्या डल जाएगा, नॉट नल की वैल्यू भी नहीं आएगी, नल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था प्राइमरी की, अगली की करेंगे फॉरन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की एंड फॉरन की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और फॉरन की तो मतलब ये मान लो प्राइमरी की एंड फॉरन की, इसके बिना तो आप डीबीएमएस का जो भी है आप कर ही नहीं पाओगे कुछ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये फॉरन की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और किस काम आते हैं। एक चीज बता दूं, बिना प्राइमरी की एंड फॉरन की के हमारे लिए डेटाबेस के अंदर मूव करना, बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि हम बनाते हैं क्यों, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे देखेंगे आज कि फॉरन की का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो फॉरन की क्या कहती है कि इट इज दैट एट्रीब्यूट विच इज अ प्राइमरी की इन अदर रिलेशन। ये हमारा वो एट्रीब्यूट होगा जो कि कौन सा एक प्राइमरी की होगा दूसरे किसी टेबल के अंदर, मतलब किसी टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की है तो हम क्या कहेंगे कि हाँ उसको हम एज ए फॉरन की बना सकते किसी और टेबल में, तो यानी फॉरन की भी एक प्राइमरी की होता है किसी और टेबल का। तो यहां पे हमारे पास वर्ड समझ में आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि प्राइमरी की होगा फॉरन की जो है, मतलब दो टेबल की बात करें तो दो टेबल का होना जरूरी है अगर फॉरन की का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहां पे क्या है, मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, एक टेबल है डिपार्टमेंट नाम की, ठीक है जी। यहां पर मैं कहता हूं ये जो डिपार्टमेंट वाली है ये मेरी प्राइमरी की है इस टेबल के लिए, ठीक है जी। अगर ये प्राइमरी की है तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होगी सारी यूनिक होगी, 10, 20, 30 सारी की सारी क्या है, ये यूनिक वैल्यूज है, वो हमें दिख रहा है, और कोई नल वैल्यू भी नहीं है, वेरी गुड। तो ये मेरे लिए क्या प्राइमरी की है। मैं कहता हूं कि मुझे फॉरन की बनानी है इस टेबल के अंदर, तो कैसे बनाएंगे भाई, हम फॉरन की वही बना सकते जो प्राइमरी की एग्जिस्ट करती हो कहीं पर, तो मैं इसको फॉरन की बना रहा हूं यहां पर। तो मैंने लिखा ये मेरे लिए एक फॉरन की है, ठीक है जी। अब आगे पढ़ते इसका काम क्या है, कि बना तो दिया कि डेफिनेशन के हिसाब से कि फॉरन की वही होगा जो किसी टेबल और दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की होगा, बट आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं ना। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप इन टू और मोर टेबल्स। अब इस फॉरन की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूं दो या और उससे ज्यादा टेबल्स के अंदर। इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई देखो ये टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। मुझे पता करना है कि जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है उसका नाम क्या है। मैं कहता हूं उस टेबल को लेके जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है उसका नाम क्या है। क्या यहां पर 10 से मुझे नाम मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां पे तो डिपार्टमेंट नेम मिलेगा सेल, बट इस डिपार्टमेंट में 10 जिसकी आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, उसका नाम क्या क्या है।
तो ये क्या करेगा, इसको एसोसिएट करेगा, मतलब इसकी हेल्प से, प्राइमरी एंड फॉरेन की हेल्प से क्या करेगा, मुझे नाम निकाल के देगा। 10 डिपार्टमेंट आईडी 10 होनी चाहिए। 10 के अंदर मैंने देखा डिपार्टमेंट आईडी में सुदेश जी है, राहुल जी है, कपिल जी है, 3 नाम निकाल के दे देगा मुझे। मतलब 2 टेबल के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, एसोसिएशन मेंटेन कर रहा है, ताकि इन दोनों टेबल के अंदर से डेटा को निकाल के ला सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन की कैन हैव नल और डुप्लीकेट वैल्यूज। यस, जहां हमने इसको फॉरेन की बनाया वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, और उसके अंदर हम नल वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि प्राइमरी की बनाया तो हम इसमें प्राइम बोर्ड नल वैल्यू नहीं डालेंगे, नहीं। ठीक है, फॉरेन की में हो सकता है। दूसरी चीज इसके अंदर वो क्या है जो मैं पॉइंट लिखना भूल गया, वो देख लो, जो भी वैल्यूज इसके अंदर होगी सिर्फ उसमें से ही वो वैल्यूज इसके अंदर आएगी, ये भी याद रखना। यहां पे अगर मैं ये लिख देता हूं 10 की जगह 40 मान लो, तो क्या 40 यहां पे एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो यहां पे आएगा भैया? बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो कंप्यूटर आपका, जो भी आप डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो आपको एरर दे देगी। किसका भी, प्लीज मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक रेफरेंस शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लीज मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है जी, ये एरर दे देगी कि आप इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन कर रहे, रेफरेंशियल मतलब कि आपने इस प्राइमरी की का रेफरेंस दिया हुआ है इसके अंदर में से, और इसमें से जो वैल्यू है वो आप उसमें से डाल नहीं रहे, तो भैया आप तो गलत कर रहे हो। तो वो कहेगा भैया आप ये नहीं कर सकते, सीधी सी बात, आप यहां पे 30 जो भी था 10 है तो 10 लिखो, नहीं तो अगर आपको यहां पे 40 डालना है तो आपके पास इसके अंदर 40 वैल्यू होनी चाहिए, 40 वाली एंट्री होनी चाहिए, तभी आप डाल सकते हो, नहीं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का एरर आ जाएगा। ठीक है जी, तो गाइस ये था आपके पास कि फॉरेन की क्या होती है, कैसे प्राइमरी की एंड फॉरेन की में डिफरेंस होता है। प्राइमरी की, फॉरेन की ही हमारी प्राइमरी, फॉरेन की जो होती है वो एक कोई प्राइमरी की होती है किसी और टेबल के अंदर। प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की में से निकलती है, और कैंडिडेट कीज क्या होती है, जो सुपर की में से निकलती है। इसके अलावा हमारे पास और भी कीज है, लाइक अल्टरनेट की, कंपोजिट की, सरोगेट की, सिंपल की, ये की, वो की, जो भी है देखेंगे बाद में जब आएगा। फिलहाल मेरा काम जितने से चलेगा हम उतना भी कर लेते हैं, इन 4 की से मेरा काम चलता है, इसको कर लेते हैं। कीज, ये कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया है तो उसकी एक अलग अलग वीडियो भी डालूंगा, और एक कंबाइन करके भी डालूंगा, जिसको जैसे देखने वैसे देख लेना। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल कॉन्स्ट्रेंट्स करेंगे कि कॉन्स्ट्रेंट मतलब कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं डीबीएमएस के अंदर जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल को बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नोट्स डाउनलोड करना लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं हो तो बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है जी, थैंक यू।